एवरी वन, दिस इज़ मी साथ के हेयर, मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक। ये रीडिंग होगी सन ऑफ जेमिनी के लिए, सो देखते हैं जेमिनीज के लिए अक्टूबर का बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में ओरेकल डेक इंक्लूड करूँगी, पर चांस ऐड नहीं होंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें, जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और अगर आप चाहो तो बल्कि मुझे रीच आउट करने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से देख लो, उस पर सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ अलॉन्ग विद द प्राइस मैंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं जेमिनीज के लिए बाकी का महीना अक्टूबर का कैसा रहेगा। लेट्स बिगिन। द हैंगमैन, टेन ऑफ पेंटिकल्स। पैसे के मामलों को लेकर अगर आपको कोई तंगी हो रही है तो वो तंगी बरकरार रहेगी, वो कंटिन्यू होगी। जो भी चीज़ें हैं, जो भी परेशानियां हैं पैसे के मामलों को लेके, उसमें आपको कुछ पॉजिटिविटी आती दिखेगी नहीं, चीज़ें जैसी हैं वैसे ही रहेंगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल मैटर्स में कुछ ना कुछ डिवाइन एक वो सिचुएशन है, जहाँ पे दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। एक, आप जिस काम में भी हार डालोगे, जिस काम को भी परसू करना चाहोगे, वो फंस जाएगा, वो स्टक हो जाएगा। उसमें कहीं ना कहीं या तो कार्मिक एक साइकिल है जिसमें आप स्टक हो, अगर नहीं तो आप जिन लोगों के साथ कनेक्टेड हो वो उन लोगों की बैड लक आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा साइकिल है, मुझे लग रहा है, फाइनेंसिस को लेके, पैसे के मामलात को लेके, जो कि जिनमें से आपका निकलना मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक और कार्ड लेंगे पहले हम, द वर्ल्ड। लेकिन मुझे लग रहा है चीज़ें आगे बदल जाएंगी। अभी एक सेकेंड, आपका कार्मिक साइकिल ये एंड होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए, वो काम करने चाहिए जिसको लेके आप पैशनेट हो, जिसके लेके आपके अंदर एक जज्बा है, जुनून है। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका पैशन इन्वॉल्व नहीं है, आपको एक तो उस चीज़ को छोड़ना है, दूसरा आपको ऐसा लग रहा है, हैंगमैन वाले कार्ड से ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आपके पैसे किसी ने रोके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास आने नहीं हैं या कुछ इस तरह से, किसी ने आपके पैसे रोके हुए हैं। ये ब्लैक मैजिक के थ्रू भी हो सकते हैं, या आपके साथ, जैसे मैंने कहा, एक बैड लक एनर्जी आपके साथ है जिसकी वजह से फाइनेंशियल मैटर्स आपके इम्प्रूव नहीं होते। इवन दो सिचुएशन शायद इतनी बुरी नहीं होती अगर ये किसी ने कुछ किया ना होता। तो कहीं ना कहीं एक वो चीज़ के ऊपर काम करना ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप कोई भी ऐसा काम करो जिसमें आप पैशनेट हो, तभी आपको उससे फ़ायदा होगा, अदरवाइज आपकी सिचुएशन जो है वो बेहतर नहीं होगी। बेहतर होने का एक ही तरीका है, मुझे लग रहा है कि जो दिसंबर का महीना होगा उसमें सिचुएशन काफ़ी बेहतर होगी। उसमें शायद आपको इतना क्लैरिटी आ चुकी हो कि ये काम जो भी आप कर रहे हो अभी, ये आपके बस की बात नहीं है, या ये जो भी काम आप कर रहे हो ये आपका पैशन नहीं है। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो मुझे लगता है कि उसके बाद आपकी फाइनेंसेस जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे एज़ यू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट ईयर। लेकिन अगर हम इस मंथ की बात करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दिसंबर का टाइम काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा आपका, आपकी सोच खुलने के लिए, आपका वो एटीट्यूड आने के लिए, जहाँ पे आप समझो कि आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, आप जो कुछ कर सकते हो वो किस फील्ड से रिलेटेड है। जब तक वो चीज़ आप परसू नहीं करते, वो चीज़ आप फॉलो नहीं करते, आपको तंगी, परेशानी, ब्लॉक्स हर जगह मिलेंगे फाइनेंसिस को लेकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये टाइम, स्पेशली स्टार्ट का जो टाइम है। आप, मुझे लगता है, कहीं ना कहीं सोचोगे ज़रूर कि क्या है ऐसी चीज़। कुछ लोगों के लिए लाइक आई सेड कि मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली किसी ने बंदिश टाइप की कोई चीज़ मुझे लग रही है कुछ लोगों के लिए। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो आपका ब्लॉक है वो आपका पैशन नहीं है जो भी आप कर रहे हो पैसों के मामले में। तीसरी एक चीज़ जो मैंने कहा कि आप जिन लोगों के साथ कनेक्टेड हो अपने काम को लेकर, उनकी नेगेटिविटी, उनके बैड लक आपके साथ मिलकर आपकी गुड लक अगर होगी भी तो भी वो ख़राब करेगा। लेकिन सिचुएशन मुझे आपकी अगले साल जाकर बेहतर होती दिख रही है,
क्योंकि उसके उस टाइम के अंदर आपको वो क्लैरिटी मिलेगी जो आपको अभी नहीं मिल रही। और ये मुझे लगता है एक डिवाइन टाइम है, इसके बाद आपकी सिचुएशन बदलने वाली है फाइनेंसिस को लेकर। उसके अलावा हाई प्रीस्ट, सेवन ऑफ सोल्स। अच्छा, एक और रीज़न जो इस कार्ड के थ्रू दिख रहा है, आपको कहीं ना कहीं आपका वे ऑफ अर्निंग कहीं ना कहीं थोड़ा गलत है। उसमें कहीं ना कहीं दो नंबरी इन्वॉल्व है, चाहे वो आपके नॉलेज में है या नहीं है। उसका भी रिजल्ट हो सकता है कि आपकी बरकत जो है पैसों में नहीं आती, चाहे वो आपके एंड से है, चाहे वो आपके पर्सन के एंड से है। कहीं ना कहीं ऐसा है जिसमें धोखा इन्वॉल्व है, चीट, फ्रेब करना किसी के साथ, किसी को उस तरह की एनर्जी इसमें है ज़रूर। जो भी आपके मामला जो सही नहीं हो रहे उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी है। अब हो सकता है अगर आपको अगर आप समझो कि आप सपोज़ अगर आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, या आपके एंड से आप हमेशा बहुत क्लियर हो कि नहीं, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसमें दूसरों का नुकसान हो, या कुछ भी ऐसा जो लोगों के लिए नेगेटिव हो, तो आपके पर्सन के एंड से ये नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है। जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि कहीं ना कहीं एक कोई एक इंसान या ज़्यादा भी हो सकते हैं जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, जिनकी बैड लक आपके फाइनेंसिस को काफ़ी इन्फ्लुएंस करेगी। स्पेशली जो 20 तारीख का जो टाइम होगा, उस टाइम मतलब 15 से लेके 20 तक का जो टाइम होगा उसमें, या 20 से 25 तक भी ये टाइम जा सकता है जिसमें आपके लिए मामला जो हैं वो रुके हुए रहेंगे और चीज़ें आपकी बल्कि ख़राब होती दिखेंगी आपको। आपको बहुत अच्छे से फील हो सकेगा इस टाइम के अंदर, 15 से लेके 25 तारीख तक का टाइम, कि जैसे आपका हर काम, हर चीज़ जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करते हो उसमें आपकी तंगी और परेशानी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि रीज़न क्या है, क्यों आप लोगों की परेशानियां जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। मुझे लगता है कि पूरी फैमिली सिचुएशन थोड़ी अजीब है यहाँ पे। और जैसा मैंने कहा, या तो आपके एंड से ये चीज़ आ रही है या आपके पर्सन के एंड से आ रही है। किसी भी, अगर आप भी जॉब कर रहे हो, आपका पर्सन भी जॉब कर रहा है, अगर आप भी अर्न कर रहे हो, आपके पर्सन भी अर्न कर रहा है, तो दोनों में से किसी एक का वे ऑफ अर्निंग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ख़राब है। अगर आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो या उस तरह की किसी सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ ऐसा इन्वॉल्व है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है अगर आप फैमिली के साथ कनेक्टेड हो एज इन योर पेरेंट्स, तो आप लोगों के अंदर आप लोगों को ये चीज़ फील नहीं होगी। अगर आप सेपरेट हो, अपने हस्बैंड के साथ हो, वाइफ के साथ हो, या सेपरेट काम कर रहे हो और सिंगल हो राइट नाउ, या अगर किसी रिलेशनशिप पे भी हो, तो आपकी आपकी सिचुएशन ख़राब है। जो लोग फैमिली के साथ हैं जिनमें आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनके लिए सिचुएशन बुरी नहीं होगी। कहीं ना कहीं उनके साथ फैमिली, ये जो जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी गुड लक रहेगी, वो इस नेगेटिव एनर्जी से बच सकेंगे। लेकिन जिनके साथ फैमिली नहीं है या पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं, उनके लिए सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। उनको थोड़ा चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहाँ से कुछ ऐसी नेगेटिविटी वो अट्रैक्ट अपनी लाइफ में कर रहे हैं जिसके ऊपर काम करना मस्ट है। और वो मुझे लगता है कि ऑलरेडी कुछ लोगों को पता है, लेकिन आप उस चीज़ के ऊपर आंखें बंद किए बैठे हो। सो ये थी आपकी एनर्जी जो आने वाले टाइम में आनी है आपके लिए, और बल्कि स्टार्ट हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि डिलेज और इस तरह के पैसों के मामलों को लेकर चीज़ें ख़राब होना वो ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि, लेकिन अगर आपकी फैमिली, लाइक ऐसे अगर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ हैं, तो सिचुएशन सही हो जाएगी और इतनी ख़राब शायद होगी भी नहीं। लेकिन यस, वर्क ऑन द थिंग्स जो मैंने मेंशन किया। आई होप कि चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएं। लेट्स सी ओरेकल कार्ड क्या कहता है। चूज़ लव, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, मेक योर्स विद लव। आप किसी ना किसी तरीके से, अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लो कि आपने किसी को अपने, जो भी आपका कमाने का ज़रिया है, जो भी चीज़ आप कर रहे हो टू अर्न मनी, टू अर्न ब्रेड फॉर योर फैमिली, आप या आपके पर्सन को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपके साथ भी बुरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक, मुझे लग रहा है कि एक एक ट्रिकी वे से पैसा अर्न हो रहा है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हैं। तो कोशिश करो कि ऐसा मामला ना रहे, ताकि आपकी लाइफ में, मतलब वही बात आती है कि अगर आप एक बैड कार्मा, मुझे लग रहा है जैसे मैंने शुरू में भी मेंशन किया, कार्मिक साइकिल है जो कि बैड
या तो आपने कुछ बुरा किया है या आपके पर्सन ने कुछ बुरा किया है। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो कहीं ना कहीं मेक श्योर कि आपका पर्सन या आपकी खुद की अर्निंग जो है वो राइट वे से आप अर्न कर रहे हो, जिसमें किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर आप अपना पैसा ले रहे हो। सो लेट्स सी, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपका जो भी ड्रीम है, आपकी जो भी ख्वाहिश है, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल प्लान चाहिए। अगैन ट्राई करो अंडरस्टैंड करने की कि क्या चीज़ें हैं जो वर्कआउट नहीं कर रही, और सोचने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो कि क्यों नहीं कर रही। जैसा मैंने कुछ लोगों के लिए मेंशन किया कि कहीं ना कहीं फाइनेंसेस, जो भी आप अर्न कर रहे हो, जो भी आपका वे ऑफ अर्निंग है, या जो भी फील्ड है जिसमें आप हो, शायद वो आपके लिए नहीं बना। तो कहीं ना कहीं आपको वो अंडरस्टैंड करना है कि आपका पैशन क्या है, उसको परसू करो। उसको परसू करोगे तब भी आपके लिए सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट एनर्जीज हैं, बट मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए, जेमिनाइज़ के लिए, पैसों का इशू रहेगा इस पूरे टाइम के अंदर, बाकी महीने के अंदर, जहाँ पे किसी के लिए कुछ इशू है, किसी के लिए कुछ इशू है, किसी के लिए ब्लैक मैजिक है, किसी के लिए रॉन्ग वे ऑफ अर्निंग मनी है, किसी के लिए पैशन नहीं है उस चीज़ के लिए, इसीलिए चीज़ें ख़राब हो रही हैं। किसी के लिए अगर चीज़ें बेहतर हैं फाइनेंसिस में, तो इट्स बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।